बड़ी जानकारी यूपी एटीएस का पीएफआई पर बड़ा एक्शन, इसको लेकर अपडेट्स मिल रही हैं। ये बड़ा एक्शन पीएफआई पर यूपी एटीएस का जारी लगातार। एटीएस की लखनऊ समेत कई जिलों में रेड की जानकारी है, मेरठ में है, वाराणसी में है, आजमगढ़ में छापेमारी जारी लगातार। एटीएस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। निकाय चुनाव में गड़बड़ी फैलाने का दरअसल शक है और एक बड़ा एक्शन। आपको बताएं 30 शहर एटीएस के रेड और 50 से पूछताछ का सिलसिला लगातार। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और अलग अलग इनके लोकेशंस पर ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। यूपी में पीएफआई के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी में ये छापे पड़ रहे हैं, आजमगढ़, मुरादाबाद, बहराइच में भी रेड की जानकारी मिल रही है। तो पीएफआई पर योगी का ये बड़ा हंटर है जो अलग अलग जिलों में एटीएस की छापेमारी के तौर पर नजर आ रहा। 30 जिलों की जानकारी है, पीएफआई पर योगी के हंटर में 30 जिलों में ये एक्शन हो रहा है पीएफआई के अगेंस्ट। लखनऊ, मुरादाबाद, आजमगढ़, वाराणसी, 50 से ज्यादा संदिग्ध हैं जिनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, पूछताछ हो रही है। निकाय चुनाव में माहौल को खराब करने का संदेह है। ऐसे में जो पीएफआई है उसको लेकर जो इनपुट्स मिल रहे थे, लगातार एक्शन यूपी एटीएस का चल रहा है। पीएफआई को विदेशी फंडिंग से खबर मिली थी और पीएफआई को दोबारा सक्रिय करने की साजिश दरअसल है। बैंक खातों और लेन देन की जानकारी भी सामने आई है और 5 साल के लिए बैन है पीएफआई संगठन। तो कहां कहां पर दरअसल ये छापेमारी हुई है आपको विस्तार से एक मैप के माध्यम से आइए समझा देते हैं। लखनऊ लोकेशन है, लखनऊ के साथ साथ आजमगढ़, अलग अलग लोकेशंस है जहां पर ये एक्शन एटीएस का जारी है पीएफआई के अगेंस्ट। उनके अलग अलग लोकेशंस पर लखनऊ, आजमगढ़, हम आपको लोकेशंस बता रहे हैं, मैप के माध्यम से बता रहे हैं कि कहां कहां पर ये छापे पड़ रहे हैं। तो लखनऊ में छापे पड़ रहे हैं, आजमगढ़ इसमें शामिल है, मुरादाबाद में भी छापे ताबड़तोड़ चल रहे हैं। और इस बीच मयूर शुक्ला हमारे साथ है। मयूर, पीएफआई के अगेंस्ट यूपी एटीएस का ये बड़ा और कड़ा एक्शन चल रहा है क्योंकि पीएफआई दोबारा से एक्टिव होकर साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में है। निकाय चुनाव ठीक सामने, ऐसे में एक बड़ी प्लानिंग हो सकती है, लिहाजा बड़ा एक्शन। हाँ बिल्कुल, देखिए यूपी के कई जिलों में यूपी एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है। पीएफआई के लगभग 50 से ऊपर जो लोग हैं उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से 4 लोगों को उठाया गया है। विकास नगर थाना क्षेत्र से मोहम्मद शकील नाम का व्यक्ति जो कि अपनी दुकान चलाता था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है, लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे एटीएस के लोग पहुँचते हैं और एकाएक उसको उठाकर लेके जाते हैं। इसी के साथ बख्शी का तालाब इलाका है लखनऊ के आउटर एरिया में, जहाँ पर गाँव का प्रधान है, उस गांव में छापेमारी की गई है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई, 2 लोगों को वहां से उठाया गया है। जो गांव का प्रधान है वो वहां से भाग निकला है। इसी के साथ रिहाई मंच के जो अध्यक्ष है शुएब सिद्दीकी, उनको भी जो है लखनऊ से उठाया गया। तो 4 लोगों को यहां से गिरफ्तारी हुई है। इसी के साथ लगभग मेरठ और मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी जो है समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहां से बहराइच है, ऐसे जिलों से इन लोगों को जो है इनकी गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि यूपी में नगर निकाय चुनाव चल रहा है, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण में ये लोग उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो कि पहले से प्रतिबंधित है और इसके साथ के जो संगठन है चाहे वह SDPI हो या फिर सिमी हो, सभी को प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि ये देश विरोधी जो गतिविधियां हैं या आतंकी गतिविधियां उसमें संलिप्त ये लोग पाए गए थे। इसी के साथ प्रतिबंधित होने के बाद भी ये लोग दोबारा से सक्रिय हो रहे थे, विदेशी फंडिंग भी ये लोग कर रहे थे और यहाँ के जो युवा हैं उनको बरगला के उनको जो है ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा था, देश विरोधी गतिविधियों में उनको शामिल कराने का काम किया जा रहा था। तो इसीलिए उसको प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन नगर निकाय चुनाव में इफेक्ट डालने के लिए ये लोग सक्रिय थे। तो यूपी एटीएस को इनपुट मिलता है इनके सोशल मीडिया के जरिए, इनके व्हाट्सएप के जरिए। और बीच मयूर मैं आपको रोक रही हूँ, लगातार ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, स्पीच अपडेट, 70 संदिग्धों से पूछताछ, 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, वाराणसी से 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। मयूर, कोई इनपुट उस पर आपके पास? 50-50 हजार इनामी संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। हाँ बिल्कुल, देखिए इनामी संदिग्ध हैं, ये गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे अब पूछताछ जारी है। और इनको जो इनपुट यूपी एटीएस के पास है इनके बारे में,
उसको बेस बनाकर इनसे पूछताछ की जाएगी कि ये किस तरीके से गतिविधियां आगे करना चाह रहे थे, कहां तक इनका नेक्सस कितना बड़ा है, इनके तार कहां तक हैं, और जो इनकी विदेशी फंडिंग होती है वो किसके जरिए इनके अकाउंट्स में होती है, और क्या इनकी मंशा थी और किन लोगों को ये शामिल और अपनी टीम में करना चाहते थे। बिल्कुल मयूर, क्या मंशा थी, किस किस को शामिल करने की प्लानिंग थी, युवाओं को भ्रमित करना, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त इनका पाया जाना, और किस तरीके से निकाय चुनाव के मद्देनजर माहौल को खराब करने की प्लानिंग, दरअसल एक बड़ी प्लानिंग, और उसको लेकर किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर यूपीएटीएस अपना एक्शन कर रही है, रेड पड़ रही है। मयूर, कुछ और इनपुट्स आएंगे, हम तुरंत लौटेंगे आपके पास।